Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about how to identify the given languages context-free or not. So you already know about the finite automata and the regular languages. The regular languages वो होंगी जो कि finite automata से accept होंगी, और context-free languages वो हैं जो कि pushdown automata से accept होंगी. तो अगर हम एक Chomsky hierarchy वाला circle बनाएं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो inner वाला circle है, वो हमारा regular language का circle है. और जो रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी दे विल बी एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा. ओके, एंड देन इफ आई हैव द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सो द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस विल बी एक्सेप्टेड बाय द पुश डाउन ऑटोमेटा. द कॉन्सेप्ट ऑफ द पुश डाउन ऑटोमेटा इज दैट वी टेक अ स्टैक, एंड अ स्टैक हैज द मेमोरी, यू नो इट वेल दैट वी कैन स्टोर सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑन द स्टैक. और इसलिए इसकी जो मेमोरी होगी पुश डाउन ऑटोमेटा की, दैट विल बी मोर देन द फाइनाइट ऑटोमेटा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ लैंग्वेज ए पावर एन एंड बी पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. इन दिस केस इफ आई सेलेक्ट लेट्स से ए क्यूब एन क्यूब थ्री, अगर हम सेलेक्ट करें, सो लेट्स से ए क्यूब बी क्यूब हमारा एक स्ट्रिंग आता है, इट मीन्स दैट वी हैव थ्री एज एंड थ्री बीज. तो अगर आपको ये देखना है कि क्या ये हमारे इस लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं है, तो यू कैन टेक अ स्टैक. जब जब ए आएंगे तो हम इसको पुश कर दें, और जितनी बार बीज आएंगे हम उनको पॉप कर दें. तो तीन एज आए तो तीन ही बीज होंगे, तो हर तीन ए के लिए हमने पुश कर दिया और हर बी के लिए हमने पॉप किया, तो एंड में हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी बचेगा. और एम्प्टी स्टैक डिनोट्स दैट द लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय द पुश डाउन ऑटोमेटा. इट मीन्स इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री है या नहीं. सो इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी हम उनको मानेंगे कि वो कंटेक्स्ट फ्री है, जिसमें कि कंपैरिजन रिक्वायर्ड है. कंपैरिजन के लिए हमें मेमोरी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. हियर वी आर कंपेयरिंग दैट वी हैव सेम नंबर ऑफ एज एंड सेम नंबर ऑफ बीज. नाउ लेट्स से मोर एग्जांपल्स. लेट्स से वी हैव ए पावर एन एंड बी पावर टू एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. सो हमें ये देखना है कि क्या ये लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री है या नहीं है. तो ये देखने के लिए कि लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री है कि नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं कि ए की संख्या सिर्फ दुगनी संख्या है बी की. अगर हम एन की वैल्यू टू सेलेक्ट करें, सो दिस इज ए स्क्वायर एंड बी पावर फोर, समथिंग लाइक दिस. सो डबल ए एंड फोर टाइम्स बी. इफ यू सेलेक्ट एन एन की थ्री हम सेलेक्ट कर लें, सो दिस इज ए क्यूब एंड बी पावर सिक्स. सो वी हैव थ्री थ्री एज एंड सिक्स बीस, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो अगर हम ऐसी लैंग्वेज को प्रूव करना चाहते हैं कि कंटेक्स्ट फ्री है कि नहीं है, क्या ये या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कंटेक्स्ट फ्री है कि नहीं है, तो हमें काम करते हैं कि स्टैक ले लेते हैं, और इसके बाद जब हमें ए मिलेगा तो हम दो ए पुश करेंगे. एक ए मिलेगा लेकिन हम दो ए पुश करेंगे. लेट्स से वी आर टेकिंग दिस वन, सो सिंगल ए टू ए वाज पुश्ड, अनदर ए इन द स्ट्रिंग विल पुश इट ट्वाइस, अनदर ए विल पुश इट ट्वाइस. And then, if I have a B, then pop it. If I have a single B, pop it. 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 Six A's push with it. Six A's हमारे pop हो रहे हैं. तो इस तरह से आप prove कर सकते हैं कि अगर empty stack मेरा बचा, तो ये language हमारी accept हो गई. फिर PDA से. So, context-free languages are those which are actually accepted by the pushdown automata. Pushdown automata में stack element होगा. और stack element से अगर आप प्रूफ कर सकते हैं या स्टैक एलिमेंट से कंपैरिजंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप कहेंगे ये लैंग्वेज आपकी कंटेक्स्ट फ्री. लेट्स टेक मोर एग्जांपल फॉर दिस. लेट्स से आई हैव अ लैंग्वेज ए पावर एम प्लस एन, बी पावर एन एंड सी पावर एम, वेयर एन एंड एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो ए में ए की जो संख्या है वो बी और सी की इक्वल है. इफ आई टेक n is equals to 2 and n is equals to 4. In that case, we can say that the a is, the number of a's a raised to the power 2 plus 4, b square and c raised to the power 4. So we have a power 6, b square and c power 4. A ki sankhya b or c ki sankhya ke equal hai. So aisa proof karenge, ek kaam karte hain ki hum ek stack le lete hain. जितने भी ए आए हमने उसको पुश कर दिया स्टैक पे, और जितने बी आए उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने पॉप किया. सो दो बीज हैं तो दो ए पॉप होंगे,
यहाँ पे चार सीज हैं, इसके लिए भी हम टॉप कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो जितनी बार ए आएगा हम पुश करेंगे, जितनी बार बी आएगा हम पॉप करेंगे, जितनी बार सी आएगा हम पॉप करेंगे। इसके बाद आप एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि स्टैक एम्प्टी हो गया, इसलिए ये लैंग्वेज हमारी पीडीएस एक्सेप्ट हो गई। हेंस आप कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री है। सो एनी लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाई द पुश डाउन ऑटोमेटा विल बी कंटेक्स्ट फ्री। नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल्स टू जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। लेट्स से आई हैव अ लैंग्वेज ए पावर एम, बी पावर एम प्लस एन एंड सी पावर एन, वेयर एन एंड एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो इन दिस यू कैन सी दैट द काउंटिंग ऑफ ए एंड सी, क्यूमुलेटिव काउंटिंग ऑफ ए प्लस सी इज सेम एज द काउंटिंग ऑफ बी। सो इफ आई टेक एम इज इक्वल टू 2 एंड एन इज इक्वल टू 3, इन दैट केस द स्ट्रिंग बिकम्स ए स्क्वायर बी रेज टू द पावर 5 एंड सी क्यूब। सो द स्ट्रिंग इज डबल ए, 5 times b एंड देन 3 times c। सो वॉट वी कैन डू दैट वी कैन टेक अ स्टैक, वी कैन पुश दिस ए ऑन द स्टैक। तो 2 a's वी हैव पुश्ड इट ट्वाइस, इसके बाद b आया, पहला b हमने पॉप कर दिया, दूसरा b हमने पॉप कर दिया, तो स्टैक एम्प्टी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट b जब आया तो हमने इसको पुश कर दिया स्टैक पे, एक और b आया पुश कर दिया, एक और b आया हमने पुश कर दिया स्टैक पे, एंड देन इसका सी आए तो हमने पॉप करना स्टार्ट किया, 1 2 3, 3 c's हैं, 3 times हमने पॉप किया। एंड में मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी आया, इसलिए हम कहेंगे कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गया है पीडीए के द्वारा, एंड हेंस विल से दैट द लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से द स्ट्रिंग इज ए, सॉरी द लैंग्वेज इज ए पावर एम, बी पावर एन एंड सी पावर एम प्लस एन। सो दिस इज द स्ट्रिंग, एंड इस स्ट्रिंग में, सॉरी इस लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से एम इज इक्वल्स टू 2 एंड एन इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज लाइक ए पावर 2, बी पावर 3 एंड सी पावर 2 + 3 मीन सी पावर 5। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपके पास एज आए तो आप उसको पुश कर दीजिए स्टैक पे, फिर जब बी जाए तो भी आप पुश कर दीजिए स्टैक पे। सो दिस वे यू हैव 5 सिंबल्स इन द स्टैक, एंड देन जैसे ही सी आए पर सी आप एक एलिमेंट को पॉप कर दीजिए। सो 5 c's हैं, तो 5 times इससे पॉपिंग होगी, फॉर एवरी सी विल पॉप इट, इन द एंड द स्टैक इज एम्प्टी। सो यू कैन से दैट द लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय द पुश डाउन ऑटोमेटा, हेंस द लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट-फ्री। Now, let's say we have a string of kind a power m, b power n, c power m and d power n। तो अगर आप इस लैंग्वेज को ध्यान से देखें तो कंपैरिजन इसमें पूछा जा रहा है कि आप फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन कर लें और सेकंड और फोर्थ पार्ट का कंपैरिजन कर लें। तो किसी भी तरीके से आप ये कंपैरिजन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ए को पुश करेंगे और बी को पुश करेंगे तो इससे ये प्रूफ नहीं, और सी पे आप पॉप करेंगे तो इससे ये प्रूफ नहीं होता कि ए की संख्या सी के इक्वल है। तो इसलिए हम मानेंगे कि ये जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। आई होप यू आर मेकिंग सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स फॉर दिस। लेट्स से वी हैव ए पावर एम, बी पावर एन, सी पावर एन एंड डी पावर एन, वेयर एन एंड एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो आप अगर ध्यान से देखें तो ए की संख्या बी के इक्वल है और बी की संख्या सी के इक्वल है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ए के करस्पॉन्डिंग पुश करें, बी के करस्पॉन्डिंग पुश करें, जितने सीज आए आप पॉप करें, इस तरह से जितने बीज होंगे वो पॉप हो चुके होंगे। तो इसका मतलब से ये कंपेरिजन हो गया कि बी और सी की जो संख्या है वो सेम है। इसके बाद जब डी आए तो फिर से आप पॉप कीजिए, और जो पॉप किया हुआ एलिमेंट होना चाहिए वो ए ही होना चाहिए, ये इंश्योर हमें करना है कि स्टैक के टॉप पे ए है तभी हम पॉप कर रहे हैं। तो इस तरह से ए और डी को हमने कंपेयर कर लिया। सो दिस वे यू कैन से दैट द लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल।
So we have a power m, b power I, c power m, and d power k for some m, I, and k greater than or equal to 1. तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो b की संख्या है कितनी भी हो सकती है, d की संख्या भी कितनी भी हो सकती है, लेकिन a और c की जो संख्या है वो इक्वल होनी चाहिए. सो लेट्स से वी हैव टेकन a क्यूब b एंड देन c क्यूब एंड d स्क्वायर. सो नो मैटर हाउ मेनी सिंबल्स ऑफ b एंड d वी हैव, वी आर कंसर्न अबाउट द काउंटिंग ऑफ a एंड c, दे शुड बी इक्वल. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, जितने भी एज आए आपने उसको स्टैक पर पुश कर लिया, फिर जैसे ही हमारे पास बीज आ रहे हैं इन बीज को आप बीज के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक्शन मत लीजिए, स्टैक को उसी कंडीशन में रखिए. फिर जैसे सी आना शुरू हुए, पहले सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए को पॉप कीजिए, दूसरे सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए को पॉप कीजिए, तीसरे सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए को पॉप कीजिए, और डी के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक्शन मत लीजिए. तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया ये जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री है, क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा इसको एक्सेप्ट कर लेता है. तो दिस वे वी कैन प्रूव दैट द लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री.